हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी का स्टफ पराठा, उसके साथ गार्लिक चिली की स्पाइसी चटनी। सबसे पहले पत्ता गोभी को फाइन चॉप कर लेंगे, उसमें ऑनियन को भी फाइन चॉप करके मिलाएंगे। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर क्रश करके डाल दीजिए। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और दमालू मसाला आता है 2 स्पून डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो 1/2 स्पून गरम मसाला डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। फिर गेहूं का आटा लेंगे 2 to 3 कप, इसमें अजवाइन, जीरा, नमक और तेल डालकर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ऑयल ज़रूर डालिए, इससे पराठा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होता है। सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम छोटा सा आटे का पोर्शन निकालेंगे और उसको थोड़ा सा बेल लेंगे, छोटा सा ही बेलेंगे। फिर हम जो स्टफ बनाए हैं उसको स्टफ करेंगे। इसमें बीच का पोर्शन हमारा थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए ताकि पराठा बेलते वक्त वो फटे नहीं, और अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करके बीच में एक करके अच्छे से दबा देंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, हाथों से इसको दबाकर जो भी इसके अंदर का एयर है वो निकाल देंगे और सूखा आटा लगाकर अच्छा पराठा बेल लेंगे। आपको जैसा शेप में बनाना है आप वैसा बनाइए। हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है क्योंकि इसमें पनीर और पत्ता गोभी दोनों है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तवे को गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से ऑयल या बटर, घी, जो भी आपको लगाना है लगाकर अच्छा क्रिस्पी सेक लीजिए। बहुत ही अच्छा स्टफ पराठा तैयार होता है। इसके लिए मैं गार्लिक चिली की एक चटनी बता रही हूँ इंस्टेंट। मैंने बटर मिल्क लिया है 1/2 कप, उसमें 8 से 10 रेड चिली को पहले ही मैंने भिगा के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए और मिर्ची सॉफ्ट हो जाए। इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, बटर मिल्क है जो वही डालेंगे। गार्लिक डाल देंगे, नमक और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर एक पैन में 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल ही लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जीरा, मस्टर्ड सीड, हींग डालकर फिर जो चटनी हमने बनाई है उसको डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे।